नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फोर भारत में। मैं आपके साथ खुशबू सांगवी। एशियाई प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले की तैयारी पूरी हो गई है। आज डिप्टी सीएम सुशील मोदी इस मेले का उद्घाटन करेंगे। सारण के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस वर्ष सरकारी स्तर पर 10 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले सुरक्षा के प्रति जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। मेले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं और मेले में विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए 20 स्थायी थाने बनाए गए हैं। इनमें थानेदारों के प्रति नियुक्ति भी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों, बीएमपी की महिला कांस्टेबल के अलावा दंगा निरोधक दस्ता, आंसू गैस, स्वान दस्ता, बम निरोधक दस्ता और घोड़ सवार दस्ते की तैनाती की गई है। मेले के परंपरागत और ग्रामीण स्वरूप को बरकरार रखते हुए इसे आधुनिक और आकर्षक लुक देने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। इससे पर्यटन और दुनिया के मानचित्र पर लाने के लिए प्रेस और वेबसाइट के साथ साथ अन्य प्रचार माध्यमों से भी मेले का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। मेले में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए इसी वर्ष भी कई महत्वपूर्ण इवेंट कराए जाएंगे। उनके ठहरने के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस भव्य और आकर्षक ऋषिप कॉटेज का निर्माण कराया गया है। जिला सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से सोनपुर मेला 2019 नामक वेबसाइट व मोबाइल ऐप का निर्माण कराया गया है। थिएटरों में किसी भी कीमत पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल जीवन और हरियाली पर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि साफ सफाई और प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। हरिहरनाथ मंदिर के समीप रामायण मंचन और गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज फोर भारत। धन्यवाद।